वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे मेरी दुआओं से। आज हम बनाएंगे पास्ते की रेसिपी, और पहले भी मैंने जैसे कि आपके साथ बनाई है, आज फिर बनाएंगे। ये देखें, पास्ता मैंने ले लिया, ठीक है, तकरीबन ये वाला पास्ता, ये वाला मैंने शेप लिया है, ठीक है। इसको मैं रख रही हूँ बॉयल होने के लिए। बॉयल होने के बाद मैं इतना ये बॉयल होगा उतना मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए गाइस, इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ये पास्ता ऐड कर रही हूँ इसमें सारा का सारा, ठीक है। ये देखिए गाइस, मैंने पास्ता बॉईल कर लिया, बॉईल करके उसको ड्राई करके रख दिया। अब आती है ग्रेवी की बारी। अब मैं इसमें घी ऐड करूँगी, इतना ज़्यादा घी नहीं, जितना आपको मुनासिब लगे। सॉरी, मेरे पास कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन इट्स ओके। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गार्लिक चॉप हुआ हुआ, आज सर्दी बहुत है तो जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड का अचानक से मूड बना के आज पास्ता बनाते हैं। मेरा कोई मूड नहीं था, ये सारा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, उनका अचानक से मूड बना पास्ते का। पहले सूप की रेसिपी बननी थी, लेकिन फिर सूप कैंसिल हो गया और पास्ता मतलब एंटर हो गया, तो अब मैं पास्ते की रेसिपी बना रही हूँ। ये देखिए गाइस, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी, चिकन चिपक गया थोड़ा सा, इसको तो ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, ठीक है। मसालों से मतलब काली मिर्चें, ठीक है, एक तो मुझे टाइम पे चीज़ें भी नहीं मिलती, मैं अकेली हूँ जिसकी वजह से। अच्छा, वाइट विनेगर 1 टीस्पून, टू टीस्पून, ठीक है, इतना वाइट विनेगर, ओके। और इसके अलावा जो पास्ते में से मसाला निकला था वो ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा, मैंने पूरा पैकेट डाल दिया जो कि पास्ते में से निकला था, ठीक है। उसके बाद क्या ऐड करना था, केचप, एक मिनट, खुलने रहा, मैं अकेली हूँ जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है हर चीज़ को मैनेज करना, मेरे लिए मुश्किल होता है। ये देखें टमाटो केचप, ये मैंने टमाटो केचप ऐड कर दिया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा ऐड करूँगी। इसके बाद मैं ऐड करूँगी, दिखाती हूँ, एक कप दूध, ठीक है, दूध ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये पकेगा 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 पकेगा, इसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये पक रहा है, मैंने चेक किया था। अब थोड़ी सी एक चम्मच चीनी भी डलेगी, थोड़ी सी और डाल लेती हूँ, ये भी डलेगी। अजान हो रही है, एक्सक्यूज मी, सॉरी गाइस, अजान हो रही है, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मुझे अब बोलना पड़ेगा। अब मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी कैरेट, थोड़ी सी शिमला मिर्च, उसके बाद मैं आती हूँ।
ये देखिए गाइस मसाला रेडी है, अजाने ख़त्म हो गया। अब मैं ये पास्ता ऐड करूँगी। ये देखिए पास्ता कैसा अकेला अकेला है, ठीक है। मैंने पास्ता ऐड कर दिया, बिस्मिल्लाह। पास्ता इज रेडी रेडी। मेरे जानों की फरमाइश पे बना आज पास्ता। इसका टाइटल होगा मेरे जानों की फरमाइश पे बना आज पास्ता पास्ता। सॉरी रेसिपी लंबी हो गई है, एक मिनट। ये देखिए गाइस पास्ता रेडी है, ठीक है। अब मैं आपको सर्च करके अपने जानों का रिव्यू देती हूँ। ये देखिए गाइस रेसिपी तैयार हो गई है। मैंने ये अपने डियर हस्बैंड को सर्व कर दिया। अब ये खा के बताएं कि कैसी बनी है। जी खा के बताएं। बेहतरीन, वाओ, बहुत मज़ेदार है, टेस्टी है। क्या कहना चाहोगे सबको? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि सर्दियों का मौसम है और ऐसे डिशेस बना के घर में बैठ के इंजॉय करें और अपनी वाइफ के साथ अच्छा वक्त से स्पेंड करें और अच्छे लम्हात अच्छा वक्त गुजारें। बस यही कहना चाहूँगा। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा गाइस ये मैंने पास्ता बना लिया, ठीक है। आप भी ज़रूर बनाइए, इंजॉय करिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखें। और मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।